तक बदुआओं सा सौ दफा तुझे पढ़ ना लूं। हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो, मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो। How was first meet? So yeah, talking about a first meeting, it was more like a formal meeting, जहाँ दो परिवार अपनी बायोडेटा एक्सचेंज करते हैं। और जैसे ही हमारे बायोडेटा एक्सचेंज हुए, इन्होंने मुझे पसंद किया और मैंने इनको पसंद किया बेसिस और बायोडेटा, और ये ऑल द वे बैंगलोर से मुझसे मिलने आए मुंबई। जब मैं इससे फर्स्ट टाइम मिला, सो आई फाउंड हर वेरी सिंपल एंड स्वीट। बहुत एक्चुअली हम लोग मिले थे एक नेचुरल वे में, हमारा कनेक्टिंग स्टार्ट हुआ था। तो क्योंकि हम लोग पहली बार हमारे घर पे ही मिले थे और काफी फॉर्मल मीटिंग थी, तो इट वॉज वेरी शॉर्ट मीटिंग। एंड क्योंकि वो काफी शॉर्ट थी, तो हम चाह रहे थे कि एक बार और वापस मिले, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को थोड़ा सा जानना चाहते थे, इसीलिए हम लोग सेकेंड टाइम मिले एट द कैफे और एट द वेरी सेकेंड डे। जब सेकेंड टाइम हम मिले, सो हमें कैफे में मिले थे, सो एक प्लान था कि टाइम स्पेंड करेंगे अच्छा, लेकिन ये बंदे ऐसे थे जिसको टाइम ही नहीं था। सो तो बेसिकली मेरे पास टाइम नहीं था। आई वाज इन थिंकिंग कि हम लोग 6-7 घंटे के लिए मिलेंगे, हम लोग हाइकिंग, मेरे दिमाग में था कि 2-3 घंटे मिलूंगी और निकल जाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए तो काफी कैजुअल मीटिंग थी, थिंकिंग कि बैंगलोर से है, मुझे बैंगलोर शिफ्ट होना नहीं था। तो मैं मिली एंड ऑनेस्टली मेरी एक्चुअली मीटिंग थी ऑफिस की, तो मैंने बोला भाई मेरी तो मीटिंग है, इसके बियॉन्ड मैं नहीं रुक पाऊंगी, लेट्स मीट सम अदर डे। सो दैट्स हाउ आई एंडेड द मीटिंग दैट डे। छलक गए नैना, तूने मन भर दिया मेरे खाली से दिल को, यूं तूने घर कर दिया। छलक गए नैना, तूने मन भर दिया मेरे सोने से दिल को, यूं तूने घर कर दिया। अधूरी सी राहें मिलाई, अधूरी हवाएं चलाई, अधूरी सी बातें बनाई, इश्क के सिलसिले बन गए रे, तेरे दिल से दिल तक मेरे मेरे, तेरे दिल से दिल तक मेरे, तेरे दिल से दिल तक मेरे मेरे, तेरे दिल। जब सेकंड टाइम मिलने के बाद एक कॉन्फिडेंस आया था कि इसे एक और बार मिलना चाहिए, तो एज अ पेरेंट सबसे बात की थी, पेरेंट्स से बात की थी कि इसे एक और बार मिलके और थोड़ी की बातें क्लियर हो सकती थी, तो हम लोग की घर मीट थी जो हम लोग ने प्राइवेट की थी। एंड इन दैट प्राइवेट मीटिंग हमने काफ़ी सारी बातें की अबाउट आर फ्यूचर एंड व्हाट एग्जैक्टली वी फील फॉर ईच अदर। तो उस मीटिंग के बाद मैं श्योर हो गया था कि आई एम मींस मेरे लिए परफेक्ट एकदम, एंड आई वांट टू स्टार्ट द रिलेशन। बट इवन आफ्टर दैट मीटिंग आई वाज नॉट वेरी श्योर, बिकॉज मुझे बैंगलोर जाने का डर अभी भी था। बट समहाउ आफ्टर मीटिंग लाइक few other boys also, मेरे को लगा कि he is the one, क्योंकि जो comfort zone मुझे इनके साथ आ रहा था वो बाकियों के साथ नहीं आ रहा था। एंड यू नो आई हैड एक्सेप्टेड द फैक्ट कि मैं बैंगलोर जाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरा भी कंफर्टेबल जोन आ चुका था, सो आई डिसाइडेड टू प्रपोज हर। Oh,
रखा खाते सजा के तू मेरी वफा रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा ना पावी कदे दूरिया जीना है ये मना कल बन सदिया है सदियों में जीना